हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं अरवी की सब्जी। ये देख लीजिए, मैंने बॉईल करके रख ली है ये अरवी। अब हम इनको छील लेंगे। अरवी हमने अपनी छील ली है, अब हम इसकी सब्जी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें एक चमचे के लगभग हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। ऑयल जो है हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच हम इसमें डालेंगे राई के दाने, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। अब इसमें हम एक बड़ी प्याज बारीक काट के डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इसको भून लेंगे थोड़ा। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधे चम्मच लाल मिर्च, धनिया हम एक चम्मच डालेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे। अब हमारे मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें मैं आधा कटोरी दही डालूंगी। दही जो है हमारी मसाले के साथ अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें अरवी डालेंगे। मैंने ये थोड़ी थोड़ी हाथ से फोड़ ली है अरवी। अब इसको मसाले में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले में मैंने अरवी अच्छे से भून ली है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं छोटी एक कटोरी पानी डालूंगी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, और भी पतली कर सकते हो, और इसको बिना पानी के सूखी भी बना सकते हो। अब इसको ढक के 6-7 मिनट पकाएंगे हम। 6-7 मिनट हो चुकी है, अब इसको सब्जी को चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। ग्रेवी देखिए, हमें इस तरीके से रखनी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अरवी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।